एक व्यापारी अपने पुत्र के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसका पुत्र काफी आलसी था और फिजूल खर्च करता था। व्यापारी ने पुत्र से एक दिन कहा कि कल से वह बाहर कमाने जाएगा और अपनी कमाई पिता को लाके देगा। ये बात सुनकर वह हैरान हो गया और अपनी माँ के पास जाकर सारी व्यथा सुनाई। माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। शाम को वही सिक्का लड़के ने अपने पिता को दिया। पिता ने उस सिक्के को कुएं में फेंकने को कहा। पुत्र ने बेझिझक सिक्का कुएं में फेंक दिया। यह देख पिता को दुख हुआ। पिता समझ गए कि वह सिक्का उसने कमाया नहीं था, उसकी माँ ने दिया था। व्यापारी ने पत्नी को अपनी योजना बताई और पत्नी ने मदद ना करने का वादा किया। अगले दिन पुत्र अपने दादा से सिक्का लेकर आया। पिता को ये बात पता चल चुकी थी। उसने अपने पुत्र को सिक्का कुएं में फेंकने को कहा। इस बार भी उसके पुत्र ने बेझिझक सोने का सिक्का कुएं में फेंक दिया। अगले दिन व्यापारी ने अपने पिता से सिक्का ना देने का वादा लिया। अब उसके पुत्र के पास कमाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरे दिन एक व्यक्ति से मिला और अपनी सारी आप बीती सुनाई। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा, ये सामान मेरे घर में पहुंचा देना। व्यापारी का पुत्र ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और चांदी का सिक्का पिता के हाथ पर रख दिया। आज उसका पिता बहुत खुश था। उसके पिता ने कहा कि ये सिक्का कुएं में फेंक दो। पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। वह कहता है कि पिताजी, आज मैंने बहुत मेहनत के बाद ये सिक्का पाया है, मैं ये कुएं में नहीं फेंकूंगा। तब व्यापारी ने कहा, बेटा आज तुमने इसे कमाया तो तुम्हें समझ आया कि मेहनत से कमाया पैसा हम बर्बाद नहीं कर सकते। इतनी बात सुनकर पुत्र पिता के पैरों में गिर गया और पिता का धन्यवाद किया और कहा, पिताजी आज से मैं मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। इसलिए प्रत्येक पिता को अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और जीवन में सफल कार्य करके आगे बढ़ सकें। नमो बुद्धाय।